नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। बेस्ट महासम्मेलन मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा बेस्ट वार्षिक कैलेंडर का विमोचन समारोह का आयोजन सोमवार को पड़ाव स्थित समर्थ मोटर पर किया गया। समारोह में बेस्ट महासम्मेलन युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री एवं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष पारस जैन, प्रदेश महामंत्री महिला इकाई राखी गुप्ता, प्रदेश महामंत्री अनिल जैन, संभागीय अध्यक्ष महेश गर्ग, जिलाध्यक्ष योगेश गोयल, जिलाध्यक्ष युवा इकाई विवेक गुप्ता, जिलाध्यक्ष महिला इकाई ऋचा गुप्ता, जिला प्रभारी हरीश गर्ग, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष ज्योति बंसल, संगठन महामंत्री डॉक्टर रजनीश निकरा, गिरीश अग्रवाल, रोहित गुप्ता, संजय निकरा एवं संभागीय मीडिया प्रभारी ललित जैन विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने बताया कि बेस्ट सम्मेलन के इस वार्षिक कैलेंडर में संपूर्ण मध्य प्रदेश के कार्य टीमों की जो जानकारी के साथ साथ हिंदू धर्म के त्योहारों और तिथियों की जानकारी समाहित की गई है। आदरणीय मुकेश अग्रवाल साहब, जिनके विशेष सहयोग से ये पूरा कैलेंडर पूरे मध्य प्रदेश में पहुंच पाया है और उनके लिए मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। और वहां रचाई तक पूरा मंच और पूरा सदन निश्चित रूप से बहुत खुशी का मौका है। और इस तरह के चीजें जब समाज में जाती हैं, परिवार में जब जाती है, तो इस पर चर्चा होती है, बच्चे भी देखते हैं, हमारे संस्कारों का इस पर पढ़ने भी होता है। और हमारे जो पुराना कैलेंडर के हिसाब से तिथि वगैरह जो होती थी, जो आजकल नई पीढ़ी सभागार में उपस्थित मेरी पूरी सारी मातृ शक्ति जो इतनी संख्या में बैठी हुई है, बहुत खुशी हो रही है आज देखकर। और मेरे से सभी हमारे यहाँ पर आरएनडी से हो रहा है, ये बहुत अच्छा वैश्य महासम्मेलन के द्वारा किया गया कार्य है, क्योंकि हर घर में कैलेंडर टंगेगा तो हमें वैश्य महासम्मेलन की हमेशा याद दिलाएगा। जब भी हम कुछ त्योहार या कुछ देखेंगे तो कैलेंडर हमेशा हमें वैश्य महासम्मेलन याद दिलाने में पूरा मददगार रहेगा। और हम लोग सभी आएगा, अभी आदरणीय पारस जी ने भी कहा, सभी संगठनों में, सभी सामाजिक संगठनों में निश्चित रूप से संगठन जब बनता है तो उसमें कार्य करने वाले लोग भी रहते हैं, उससे जुड़े लोग भी रहते हैं। कुछ संगठनों से मैं जुड़ा भी हूं, कुछ को देखता भी हूं, लेकिन ऐसा अकबर का दरबार मैंने बहुत कम जगह देखा है, चाहे राखी गहना हो, चाहे प्रिय भाई आशीष जी हों, पारस जी, राजकुमार गुप्ता जी, अनिल जी, महेश जी, योगेश जी, हरीश जी, ऋचा, ज्योति, विवेक, रोहित, गिरीश जी।